सहजनवा में बाढ़ प्रभावित गांवों का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सहजनवा में राप्ती और आमी दो नदियां बहती हैं। सूचना मिल रही थी कि कुछ गांवों का संपर्क मार्ग से कट गया है, जिसमें एक चकचोहरा गांव है जिसका संपर्क नदी की पानी की वजह से कट गया है। उस गांव में नाव लगी है, उसी से लोग आ जा रहे हैं और चुरमा रेगुलेटर के आसपास बसे गांवों को भी देखा गया है, जिसमें दो गांव ऐसे हैं उसके रास्ते पर पानी भर गया है। ऐसे गांव वासियों की आने जाने की सुविधा के लिए 34 नावों को लगाया गया है और सहजनवा क्षेत्र के कुल 19 गांव का निरीक्षण किया गया। कहीं पर भी बाढ़ से जनहानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, सर आज आपके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, क्या उपाय? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ और आज हमारे द्वारा सहजनवा क्षेत्र में हमारी दो नदियाँ हैं, एक राप्ती और एक आमी, इनके जिन गांवों की सूचना थी कि उनका वो संपर्क मार्ग से कट गए हैं, उन गांवों का निरीक्षण किया गया। इसमें एक चकचोहरा गांव है जो सड़क से वहां तक संपर्क मार्ग था वो कट गया है, वहां पर नाव लगी हुई है। इसके अतिरिक्त चोरमा रेगुलेटर के आसपास का निरीक्षण किया गया। जो गाँव ऐसे थे जिनमें पहुँच का मार्ग पे पानी भर गया है, ऐसे गाँवों में इस समय कुल 34 नावें लगाई गई हैं। कहीं पर कोई बाढ़ के कारण कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना नहीं है। कोई कमियां गांव वालों में क्या? गांव वालों की यही मांग थी कि चोरमा रेगुलेटर को खोला जाए, लेकिन अभी राप्ती का जल स्तर और गाँव के जल स्तर से ऊपर है। जैसे राप्ती का जल स्तर कम होगा, चोरमा रेगुलेटर को खोल करके क्षेत्र का पानी निकाल दिया जाएगा। कुल कितने गांवों का निरीक्षण किया गया? लगभग 10 गांवों का निरीक्षण किया गया, बांध के किनारे भी और इसके अलावा आमी नदी के फैलाव क्षेत्र में भी। कितने